पढ़िए पहले। चेंबूर का जैसे मैं नेरोल में रहता है, नेरोल से आज व्हीकल से आया तो चेंबूर का जैसे माहौल किधर भी नहीं है सर। चेंबूर स्टेशन अलग ही दिख रहे थे, आज से नहीं दो तीन दिन से चल रहा है सर। ये बहुत खुश है सर, चेंबूर स्टेशन में बबलू जी का बड़ा योगदान है लगता है। बाकी का लोगों का नाम मालूम नहीं, लेकिन बबलू जी का योगदान है, बहुत अच्छा दिख रहा है सर। मैं नरेश करुणाकर शेट्टी, मैं जीवन बोर्डिंग हाउस चला रहा, मीन्स आई एम रनिंग द शो। तो ये जीवन बोर्डिंग हाउस 60 ईयर्स से जब पब्लिक का सेवा कर रहे हैं, तो आज एक अच्छा माहौल दिन में मेरे को पब्लिक का सेवा करने के लिए चांस मिला, थैंक यू सर। चेंबूर का जैसे मैं नेरोल में रहता है, नेरोल से आज व्हीकल से आया तो चेंबूर का जैसे माहौल किधर भी नहीं है सर। चेंबूर स्टेशन अलग ही दिख रहे थे, आज से नहीं दो तीन दिन से चल रहा है सर। ये बहुत खुश है सर, चेंबूर स्टेशन में बबलू जी का बड़ा योगदान है लगता है। बाकी का लोगों का नाम मालूम नहीं, लेकिन बबलू जी का योगदान है, बहुत अच्छा दिख रहा है सर। मैं नरेश करुणाकर शेट्टी, मैं ये जीवन बोर्डिंग हाउस चला रहा, मीन्स आई एम रनिंग द शो। तो ये जीवन बोर्डिंग हाउस 60 ईयर्स से जब पब्लिक का सेवा कर रहे हैं, तो आज एक अच्छा माहौल दिन में मेरे को पब्लिक का सेवा करने के लिए चांस मिला, थैंक यू सर। अति स्वादिष्ट सात्विक भोजन, बहुत आनंद आया ये भोजन करके, और ख़ास करके जब ये पता चला ये जीवन बोर्डिंग हाउस के मालिक नरेश शेट्टी साहब, उन्होंने ये पूरा 400-500 थालियों का योगदान दिया है राम भक्तों के लिए, ये अप्रतिम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और इतना सेवा भाव से खुद खड़े होकर एक एक राम भक्त को अपने हाथ से खिला रहे हैं। ये हमारे साथी यहाँ पर ये लोग इतने प्रेम भाव से खिला रहे हैं, ये अलग अलग प्रांतों से हैं देश के, ये देखिए एक इधर है। तो बहुत बहुत ही बेहतरीन माहौल है, और ये जो सेवा भाव का जो एक माहौल बना है छोटे और बड़े सबका, ये प्रभु राम जी की कृपा। जय श्री राम जी। जी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस प्रभु के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सफल बनाने का हमें श्रेय दिया है, लेकिन पर्दे के पीछे से वो भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उसमें से एक हमारे यहाँ के जीवन बोर्डिंग के मालिक है शेट्टी जी, और इन्होंने जैसा कि हमारे अरुण जी ने बताया कि स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट के साथ मैं कहना चाहूँगा ये केले के पत्तल में, तो ऐसा लग रहा है हम त्रेता युग में, और देखिए प्रकृति के बीच में बैठकर हम खाना खा रहे हैं। हाँ, चारों तरफ पेड़ पौधे, बाहर एक तो होटल में लाइटों के बीच खाना खाना, और यहाँ पर एकदम प्राकृतिक आनंद लेते हुए खाना खा रहे हैं। और ये भाइयों ने बहुत प्रेम से हमको खाना खिलाया, सभी का धन्यवाद। यहाँ के मालिक जीवन बोर्डिंग के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो पहले सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे भारत के लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, कि उन्होंने योग यहाँ लाया हमें सेवा करने का, या एक हिंदुत्व जागृति का, तो उनके वजह से ही आया और ये हिंदू राष्ट्र घोषित होने की ओर बढ़ रहा है, उसकी सभी जो श्रेय जाता है वो हमारे मोदी जी को जाता है। आज आप देख रहे हैं कि हमने चेंबूर में कुछ कार्यक्रम करना चाहिए 22 तारीख के उपलक्ष्य में, इसलिए हमारे बबलू जी, बबलू सिंह है, कुशल जैन है, मराठी मैडम है, बाद में पालांजा मैडम है, हम लोग सब बाद में पराड़कर जी है, इन्होंने सब लोग ने इकट्ठा आके बबलू जी का एक थिंग था कि हम चेंबूर में कुछ करें 22 तारीख के उपलक्ष्य में, तो हम लोग इकट्ठा बैठ के एक समिति बनाई, और समिति के तहत हमने काम चालू किया कि एक अच्छा माहौल बने और राम नाम का जप बने हुए। तो जगह कौन सी, उसके ऊपर थोड़ा सा बहस हुआ, तो चेंबूर स्टेशन एक अच्छी जगह है, सब आने वाले जाने लोगों को उनका ध्यान यहाँ आकर्षित होगा, और जब हम पूजा पाठ करेंगे तो वो हमारे साथ शरीक होंगे, इसलिए चेंबूर स्टेशन में हमने वो जगह तय की और अच्छा एक माहौल बना। जब हम एक कार्यक्रम की शुरुआत की करने की, तो हमने सोचा था कि हम ही लोग कुछ अपने जेब से पैसा निकाल के, हम जो खर्चा होगा वो हम लोग करेंगे, बबलू, मैं,
कुशल जैन, पादान्या मैडम, आशा ताई, ऐसा सबने तय किया कि हमने हमारा कुछ योगदान देना है। इसमें जो जेब्रा फाउंडेशन के गडकरी जी है वो हमारे साथ थे, तो इन्होंने सब लोग ने तय किया कि हमें कुछ करना है। मगर देखते देखते हम जब काम करना चालू किए, लोगों से सामने से हमें फ़ोन आना चालू हुए और अपना अपना सेवा देने का उन्होंने दायित्व निभाने का प्रण किया। हमें कहा कि हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें भी आप सेवा करने का मौका दीजिए। तो मैं सभी, अभी आप देखें हम लोग खाना खा रहे, ये हमारे जीवन बोर्डिंग वालों ने बता दिया कि दो दिन आपके जो भी सहयोगी या काम करने वाले लोग आएंगे उनके साथ उनका भोजन की व्यवस्था मैं करूँगा। मतलब कितना बड़ा दिल उन्होंने दिखाया कि हिंदुत्व का, हिंदुत्व के बारे में कुछ काम हो रहा है तो हमारा भी कुछ योगदान हो। तो ऐसे ही बहुत से लोगों ने हमें फ़ोन करके बुलाया और कहा कि हमारा कुछ योगदान करके उन्हें कुछ चंदा पैसे हमें दिए, और इसके उसके बलबूते जो हमारी सोच थी उससे हम कई बड़ा कार्यक्रम इस यहाँ पे कर पाए। इसलिए मैं सभी हमारे साथ जो जुड़े हैं, जिन्होंने हमको सहयोग दिया है, ऐसे सभी हम सहयोगियों का बहुत बहुत सही दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ और उनके आभार व्यक्त करता हूँ। करते आभार मानते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज ने, बड़े बुजुर्ग ने बहुत सारे हुतात्मा बहुत सारे ये किए, पर मोदी साहब ने ना कोई ये किया ना कुछ उसमें कोई भी चीज़ की, मतलब कोई जान हामी नहीं हुई कुछ, एकदम शांति शीतल और एकदम अच्छे। इससे इतना बड़ा स्वतंत्र दिन के जैसा जो स्वतंत्र दिन मनाया जाता तो हमारे पूर्वज की वजह से हुआ, हमारे बड़े बुजुर्ग की वजह से हुआ। आज हमारे पीढ़ी में जो कुछ हो रहा है एकदम शांति और एकदम समय से किया मोदी जी ने, उनके लिए लाख लाख धन्यवाद देते हैं। अरे हम लोग बहुत खुश हैं कि 500 सालों के इतिहास में राम मंदिर बनने जा रहा है पहली बार, और हम लोग पूरी तैयारी के साथ है। जैसा आप देख सकते हैं हम लोगों ने पूरा होर्डिंग लगाया हुआ है और हम बहुत अच्छे से पूरी तैयारी कर रहे हैं। 22 तारीख को सिर्फ एक ही राम, पूरा चेंबूर राममय हो जाएगा और हम एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम युवा वर्ग काफ़ी जोश और हर्षोल्लास के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग बहुत खुश हैं कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है हमारे चेंबूर में। बस इतना ही कहना चाहेंगे, जय श्री राम। हम आपकी मीडिया के से अनुरोध करना चाहेंगे, हम अपने समस्त हिंदू भाई बहनों को इनवाइट करना चाहेंगे कि आप लोग भी आइए और हमारे साथ कुछ अपना श्रम योगदान दीजिए और इस कार्यक्रम को सुखमय बनाइए। यहाँ पे रामचरितमानस का पाठ होगा, लोग यहाँ से, हम युवा लोग लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। 21 तारीख से ये काम शुरू हो जाएगा यहाँ पे, आप देखेंगे जैसा देखेंगे आप, और सबको उसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। 22 तारीख को हम लोग अच्छे तरीके से करें, जय श्री राम। मंदिर की प्रतिक्रिया एक बार गणपति में की हुई थी तो उसके बदले इस बार अच्छा रिस्पॉन्स भी है। राम मंदिर जी का, अयोध्या का जो अभी कार्यक्रम है तो उसके वजह से अभी ये मौका मिला है चेंबूर में भी करने, इसके पहले उलवा में किया था, अभी इस बार मौका मैं मिला है यहाँ पे करने के लिए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और इधर ही रहता हूँ मैं नज़दीक में, तो मेरे को थोड़ा उत्साह ज़्यादा है कि काम करने का मुझे मौका मिला इधर चेंबूर में, मैं खुश भी हूँ ज़्यादा और देखने मिलेगा बहुत ही जल्दी। इसके पहले वाला जो साइज़ था वो 16 फुट में बनाया था और इस वजह का साइज़ जो है एक वॉल पैनल के हिसाब से किया हुआ है कि ये जब हो जाएगा तो आपके पीछे आप ऑफिस वगैरह में या जो भी आप जिधर आपका कार्यालय है उधर लगा सकते, तो ये देखने में भी खूबसूरत रहेगा। इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा लेकिन दिखने में राम जी की प्रतिमा भी है उसमें और मंदिर का 3D मॉडल भी है उसके लिए, वो देखने में थोड़ा अलग है डिज़ाइन के हिसाब से। सर अंतिम क्षणों में युद्ध स्तर पर तैयारी चालू है ऐसा लग रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में, ये पूरा चेंबूर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में चालू है और बहुत ही अच्छा होगा ये। भाई साहब ने जो मंदिर बना रहा है वो 4x8 का है, 4x उसकी 4x लंबाई होगी और अच्छा 8 फीट चौड़ा होगा, और इस कम समय में इन्होंने बना के दिया है, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। कोई तैयार नहीं हो रहा था लेकिन इन्होंने तैयारी करके दी है। देखिए सबसे सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार, और आज जिस तरह से माहौल हुआ है पूरे मुंबई या पूरे भारत में, सब पूरी पब्लिक राममय हो गई है, और अयोध्या तो पूरा एकदम से समझ लीजिए कि अयोध्या में भगवान राम आ ही रहे हैं। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पुनः भारत को राममय बनाने के लिए मोदी जी का अनुसरण करें, और अयोध्या जैसा माहौल पूरे देश में होना चाहिए।
न हिंसा होनी चाहिए। राम के राज्य में न तो हिंसा थी, न तो जाति का भेदभाव था, कुछ भी नहीं था। उस तरह से लोगों को आज भी वैसे होना चाहिए, सब भेदभाव मिटा करके पूरा राममय बना देना चाहिए भारतवर्ष को। मैं पूरे मुंबई में सबसे अनुरोध यही करूँगा जी। बहुत सब भाग्यशाली हैं, हम भी भाग्यशाली हैं कि देख पा रहे हैं। लोगों से कैसे आह्वान करेंगे कि वो पूजा करें? हाँ, सब अपना अपना पूजा करें, उत्साह मनाए, खुशियाँ मनाए, सब दिवाली मनाए अच्छे से। आतुरता से हम इसका इंतजार कर रहे हैं और राम मूर्ति हमारे आंखों के सामने हमेशा रहा है। जय श्री। यहाँ पे एक बात हम सबको समझना है, भारत देश में जो हमारा सनातन धर्म को कुचला गया है, इसको हर छोटे से बच्चों को लेकर हर किसी को समझना है। हमारे न्याय व्यवस्था कैसी है, हमारे मंदिरों का पैसा गवर्नमेंट लूट रही है, जबकि यहाँ पे ईसाइयों का चर्च है, मौलाना ये जो मस्जिद हैं उनको तो पैसा नहीं लेती है, फ्री मुफ्त में गवर्नमेंट का पैसा अदा कर रही है। हम टैक्स पेयर लोगों का पैसा इस तरह से गलत कामों के लिए, देश के विरुद्ध काम के लिए चल रहा है। यहाँ पे हम हर एक व्यक्ति को जागृत होना है। यहाँ पे जो अपने स्वाभ पर्सनल अपने व्यक्तिगत यानी परिवार के लिए धन कमाना लोगों का एक व्यवस्था हो गई है, उसको मूल से रूट से हटाना है, निर्मूलन करना है। यही अभी राम ललन आ गए और हमें मार्गदर्शन देंगे, यहाँ पे राम राज्य की स्थापना पुनः होगी। जय राम, जय श्री राम। दुनिया के बिना राम के बिना दुनिया नहीं है, हनुमान के बिना राम नहीं है। बस बाईस तारीख है, अब काफ़ी हर्ष उल्लास है। इस अभी ऐसा उत्सव हम जिंदगी में देखे नहीं कभी, अभी आगे देखेगा या नहीं देखेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं, लेकिन ये जो महिमा है जो भी अपना मोदी साहब का, बहुत ही आनंदमय है। सहयोग अभी सहयोग देख लीजिए, हमारे पास बाबू में है, ये बबलू सिंह जो है ये हमारे दोस्त है, फ्रेंड है, ये खास हम बबलू सिंह जी और मैं ज़्यादा खास करके यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। और जो हमारे बैकिंग में जो है व्यापारी जो मर्चेंट एसोसिएशन है वो है, और ज्वेलर्स का एसोसिएशन है वो है, और हॉकर्स एसोसिएशन है, और यहाँ पर जो है नेता लोग जो है यहाँ के नेता जैसे नगर सेवक हो गए, जितने भी 5-6 नगर सेवक है, 6 के 6 नगर सेवक साथ में है, MLA भी साथ में है, सब लोग हमको सहयोग कर रहे हैं और सब लोगों ने साथ में आने का वादा भी किया है। कल जो प्रोग्राम होगा 22 तारीख को, उस प्रोग्राम में आपको स्टेज के ऊपर सब दिखेंगे। बनाई नहीं जा रही है, रेडीमेड मूर्ति है, तैयार मूर्ति ले ली है, और मूर्ति के साथ में बैक साइड में डेकोरेशन भी रहेगा, जो राम मंदिर का डेकोरेशन रहेगा, और ऑर्केस्ट्रा भी रहेगा, वही भजन संध्या जिसको बोलते हैं, बड़ा ऑर्केस्ट्रा में, और रामचरितमानस का पाठ रहेगा 24 घंटे का। 21 तारीख को शाम को 4 बजे चालू होगा और 22 तारीख को शाम को 4 बजे तक रामचरितमानस का पाठ रहेगा 24 घंटे का, और उसके बाद में जो है भजन संध्या का कार्यक्रम होगा रात को 9 बजे तक, 9 बजे के बाद में कार्यक्रम का समापन करेंगे।